हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पाइप सपोर्ट के बारे में, किस तरीका से इस तरीका का पाइप सपोर्ट बनाते हैं, कैसे फैब्रिकेशन करते हैं और इसका ड्राइंग कैसे देखते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पाइप सपोर्ट है ये क्लैंप पाइप सपोर्ट है और इसमें डबल क्लैंप यहाँ पर देख सकते हैं लगा हुआ है। यहाँ पर डिजाइन दिखाया गया है और यहाँ पर पाइप का डिजाइन बनाया गया है, देख सकते हैं ये राउंडिंग करके इस तरीका से। और ये जो पाइप है 18 इंच का पाइप है, यहाँ पर साइज लिखा गया है और इसका mm में यहाँ पर डायल लिखा गया है 457 mm, इसका OD है। अगर हम इसको सामने से देखेंगे तो ये इस तरीके से क्लैंप हमको दिखेगा। अगर हमको इसे साइड से देखना है, यहाँ पर देखिए एरो दे करके A लिखा गया है, यहाँ पर देखिए व्यू A लिखा गया है। अगर हम साइड से देखते हैं तो ये इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर दो क्लैंप यहाँ पर लगा हुआ है इस डिज़ाइन में और क्लैंप के नीचे यहाँ पर एक बॉक्स सपोर्ट बन रहा है। यहाँ पर देखिए बॉक्स सपोर्ट का यहाँ पर डिज़ाइन दिया गया है कि इस तरीके से आपको बॉक्स सपोर्ट बनाना है और ये बॉक्स सपोर्ट में इस तरीका का प्लेट आपको लगाना है दोनों साइड में। और यहाँ बीच में एक आपको इस तरीका का स्टिपनर लगाना है और यहाँ दो साइड में यहाँ पर व्यू नहीं दिया गया है डिजाइनिंग में, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जूम करके तो यहाँ पर दो प्लेट यहाँ पर लगा हुआ है, देख सकते हैं एक यहाँ प्लेट है और एक यहाँ प्लेट है, ये क्लैंप के नीचे। तो ये रेडियस वाला प्लेट जो है यहीं पर दो जगह लग रहा है। तो इसका हम रेडियस के प्लेट का मार्किंग कैसे करेंगे और ये बनने के बाद किस तरीका का दिखेगा वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये बनने के बाद इस तरीका का ये दिखेगा, नीचे में इस तरीका का बेस प्लेट रहेगा, दो होल या तीन होल उसमें दिया होगा जितना भी इसमें मार्किंग करना है, और दो प्लेट इस तरीका से खड़ा करना है और दोनों प्लेट में यहाँ पर होल रहेगा इस तरीका से, 50 mm हाइट का होल रहेगा ये भी प्लेट में और ये भी प्लेट में, और बीच में ये क्लैंप के नीचे यहाँ पर स्टिपनर रहेगा, देख सकते हैं दो जगह, और बीच में रेडियस स्टिपनर रहेगा दो जगह और एक सिंपल स्टिपनर रहेगा यहाँ बीच में नीचे साइड में। इसी डिजाइन में उसको आपको बनाना है, जैसे यहाँ पर डिजाइन दिखाया गया है वैसे आपको फैब्रिकेशन करना है। ये प्लेट मैं छोटा रखा हूँ लेकिन ये प्लेट बिल्कुल ये एंड तक रहेगा, दोनों एकदम एक बराबर रहेगा जैसे वहाँ डिजाइन में दिया गया है। दिखा दे रहा हूँ आपको फिर से ड्राइंग, यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लेट पूरा एंड तक है, लास्ट तक है, तो यहाँ पे लास्ट तक ही रखना है आपको जैसे यहाँ पर डिजाइन में दिया गया है, वो मैं आपको एग्जांपल डिजाइन दिखाया हूँ मैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए बहुत सारा यहाँ पर डायमेंशन लिखा गया है, यहाँ पर जो बॉक्स सपोर्ट के नीचे में कुछ मेटल वगैरह आ रहा है उसका जो नंबर है वो सब आप देख लेंगे, ये सब नंबर के हिसाब से वहाँ पर क्या क्या चीज़ लग रहा है, यहाँ मटेरियल लिस्ट में यहाँ पर देखेंगे वहाँ पर क्या क्या चीज़ लग रहा है, वहाँ पर सब कुछ लिखा गया होगा। और यहाँ पे जो देखिए ये जो पाइप हमारा यहाँ तक ही पाइप है और पाइप के बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट लग रहा है मेटल टाइप का, तो वो भी यहाँ पर देखिए ये सब डिटेल लिखा गया कि वहाँ पर क्या चीज़ आपको लगाना है। अगर ज़्यादा ना समझ में आए तो आप इंजीनियर से अपना बात कर सकते हैं यहाँ पर किस तरीके का लगेगा, क्या डिजाइन में लगेगा। तो छोटा छोटा क्लिप टाइप का कोई इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर बना करके लगाना है बीच बीच में, तो उस डिजाइन में आपको लगाना है। और इसको जो क्लैंप है इसको रोलिंग में फिटअप करना है, तो इसका हम रोलिंग कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड हमें क्या करना है कि ये जो क्लैंप है ये क्लैंप का हमें रेडियस ले लेना है कि कितने रेडियस में इसको बैंड किया गया है, हमें आउटर रेडियस लेना है, ठीक है। यहाँ सेंटर से आउटर रेडियस, आउटर रेडियस को क्या करना है कि 2 से गुना कर देना है, यानी कि इसका OD हो जाएगा। और OD होने के बाद उसे हम क्या करेंगे, OD × 3.142 कर देंगे तो इसका सर्कमफ्रेंस डाई निकल जाएगा, यानी कि CF निकल जाएगा। और जब CF निकल जाएगा तो CF × डिग्री करना है, ये जो 60 डिग्री है CF × डिग्री, और डिवाइड कर देना है 360 से, तो आपका mm में यहाँ का डायमेंशन निकल जाएगा कि यहाँ से हमें कितना mm पर यहाँ पर मार्किंग कर देना है, वही सेंटर पर हमें ला करके सेंटर में इस तरीके से रख देना है। तो इस तरीके से आपको mm में कन्वर्ट करके यहाँ पर आप लगा लेंगे और इस तरीके से डिग्री में जब आप फिटअप करने लगेंगे तो ये क्लैंप जो है किस डिज़ाइन में रहेगा वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और ये दो क्लैंप रहेगा इस तरीके से, यहाँ पे देख सकते हैं यही क्लैंप है, तो हमें ये क्लैंप के सेंटर से और हमें क्या करना है कि इसका यहाँ तक हमें डायमेंशन निकालना है कि हमें कहाँ पर हम फिटअप करेंगे तो ये 60 डिग्री में फिटअप हो जाए। अब यहाँ पर हमें इसमें राउंडिंग मार्किंग कैसे करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो इस तरीके से हम जाएंगे प्लेट पर, इस तरीके से एक सीधा हम मार्किंग कर लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ये रेडियस मार्किंग करने के लिए डिजाइन वाला 266 mm इसका रेडियस दिया गया है, अंदर अंदर इसका रेडियस जो है इस डिजाइन में जो प्लेट बनाना है 266 mm रखना है आपको, इसका जो क्लैंप है इसका आउटर रेडियस यही है 266 mm, देख सकते हैं
यहाँ पर ये क्लैंप का जो डिज़ाइन यहाँ पर बनाया गया है यही वाला रेडियस लेना है 266 mm। और हमें क्या करना है, 266 mm के लिए एक पहले यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, उसके बाद यहाँ 266 पर एक हम पॉइंट लगा देंगे, और उसके बाद हम एक राउंड मार्किंग कर लेंगे इस तरीका से, डिवाइडर के जरिए एक राउंड मार्किंग आपको इस तरीका से कर लेना है। तो ये हो गया आपका 266 का रेडियस मार्किंग गोलाई यानी कि। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर डायमेंशन देख रहे हैं 230 mm दिया गया है, 230 mm इसका, और हाइट इसका 55 mm दिया गया है, 55 mm। तो 230 mm को क्या करेंगे कि 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 115 mm आपका डायमेंशन आएगा। तो 115 mm पर हमें क्या करेंगे, इस तरीका से सीधा मार्किंग करेंगे, छोटा सा ही मार्किंग कर लेंगे इतना दूरी पर। ये हो गया 115 mm के दूरी पर, एक और इस साइड भी हम मार्किंग कर लेंगे 115 mm के दूरी पर। इस तरीके से मार्किंग होने के बाद यहाँ पर देखिए हाइट डायमेंशन दिया गया है 55 mm। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम 55 पर एक मार्किंग लगा देंगे, ये लग गया आपका 55 mm पर, और यहाँ से फिर एक और हम 55 पर इधर भी मार्किंग लगा देंगे और एक सीधा लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा रेडियस प्लेट रेडी हो गया इस तरीके से, ये हमारा ये प्लेट का टेम्पलेट जो है ये रेडी हो गया। और एक प्लेट हम या तो इस तरीके से कटिंग करके निकाल लेंगे और इसी प्लेट से हम बाकी सब प्लेट को मार्किंग कर लेंगे, जितना भी प्लेट आपको कटिंग करना होगा। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस डिज़ाइन में प्लेट जो है कटने के बाद रहेगा। तो देख सकते हैं इस डिज़ाइन में आपको सब प्लेट के ऊपर मार्किंग कर लेना है, इस डिज़ाइन में एक प्लेट आप कटिंग कर लेंगे और बाकी प्लेट पर आप डायरेक्ट प्लेट के ऊपर रख करके सब कटिंग करते जाएंगे। इसी डायमेंशन का प्लेट आपको अगर मान लीजिए कटिंग करके मिला है, तो अगर नहीं भी मिला है तो आप उस लेआउट के जरिए मार्किंग कर सकते हैं। फिर से मैं आपको वो रेडियस का जो मैं आपको फार्मूला बताया वो कैसे काम कर रहा है वो भी मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। तो जो हमारा ये मान लीजिए कि रेडियस बना हुआ है, इस तरीके से हमें क्लैंप को रखना है डिग्री में, ठीक है, ये हमारा क्लैंप हो गया। अब हमें यहाँ से ये बॉटम पोजिशन से और यहाँ तक डिग्री दिया गया है कि इसको 60 डिग्री में यहाँ से यहाँ तक रखना है, और हमारा जो क्लैंप है वो इस डिज़ाइन में क्लैंप है, ये क्लैंप हो गया मान लीजिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये क्लैंप हो गया। तो क्लैंप के सेंटर से दिया गया है, ये क्लैंप के बाहर से यानी कि ये गैप में से दिया है, तो गैप से यहाँ तक यहाँ डायमेंशन निकालेंगे, वही इसका रेडियस लेंगे, रेडियस को 2 से गुणा करेंगे। तो इसका जो रेडियस डायमेंशन है 266 mm, इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये OD डायमेंशन बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद OD को हम क्या करेंगे 3.142 से गुणा कर देंगे तो ये CF बन जाएगा, राउंड डायमेंशन। उसके बाद क्या करना है, CF को CF इंटू डिग्री लेना है, जितना डिग्री में हमको रोल करना है CF इंटू डिग्री और डिवाइड 360 कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको mm में डायमेंशन निकल जाएगा कि इसको हमें कितना mm रोल करना है, यहाँ से यहाँ कितना mm रोल करना है, वो डायमेंशन आपको निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको मार्किंग करना है, यानी कि यहाँ बाहर से हमें बीच से डायमेंशन लेना है और यहाँ इस तरह से मार्किंग करते आना है आपको। मान लीजिए यहाँ पर आया तो यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ प्लेट में देख सकते हैं यहाँ पर 3 होल दिया गया है, लेकिन मैं यहाँ पर डिजाइन में 2 ही होल बनाया था तो मिस्टेक से हो गया, लेकिन यहाँ पर 3 होल रहेगा। तो इसी डिजाइन में आपको फैब्रिकेशन कर लेना है, जो बनने के बाद इसी डिजाइन में दिखेगा। नीचे में ये बॉक्स सपोर्ट हो गया, ऊपर में ये क्लैंप सपोर्ट हो गया, इस तरीके से बना लेना है। और इस तरीके का ये जो रेडियस प्लेट जो कटिंग हुआ है इसका जो कॉर्नर है यहाँ पे देखिए 10 mm जो है क्रॉस कटिंग कर देना है, 45 डिग्री 10 mm कॉर्नर जो है कटिंग कर देना है दोनों साइड का, ये आपको ध्यान रखना इसमें लिखा गया है। यहाँ पर देखिए नीचे में बीम का डिजाइन यहाँ पर बनाया गया है, इसी बीम पर ये रेस्ट हो रहा है। और यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर शो किया गया है, देख सकते हैं ये पूरा सपोर्ट इस तरीके से लगाने के बाद यहाँ पाइप में देख सकते हैं एक क्लीट लगाना है, यहाँ पर देखिए क्लीट इस तरीका से लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए उस क्लीट का यहाँ पर डिजाइन दिया गया है और यहाँ पर डायमेंशन दिया गया है 100 mm इसका डायमेंशन रहेगा टोटल, ये क्लीट का देख सकते हैं 100 mm का ये क्लीट रहेगा ये वाला। तो ये दोनों साइड लगेगा आपको इस तरीका से, देख सकते हैं यहाँ पे ये क्लीट जो है लगा हुआ है और इसका लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर लिखा गया है, इसका चौड़ाई जो है शायद 60 mm रहेगा, 60 mm, और इसका लंबाई 100 mm रहेगा। और ये जो बॉक्स सपोर्ट से बाहर 50 mm बाहर निकला हुआ रहेगा, तो इस डिजाइन में एक क्लीट यहाँ पर पाइप से टच होते हुए नीचे की तरफ आ रहा है,
और ये बॉक्स सपोर्ट में वेल्डिंग नहीं करना है, देख सकते हैं बॉक्स सपोर्ट में वेल्डिंग नहीं करना है, सिर्फ आकर के उसमें टच रहेगा, यानी कि पाइप इधर उधर भागे ना, इसीलिए यहाँ पर ये डिजाइन दिया गया है। और उसका जो ये जो क्लिट जो लग रहा है उसका वेल्डिंग पाइप में सिर्फ करना है, तो यहाँ पर पाइप में किस तरह से वेल्डिंग करना है उसका डिटेल जो है यहाँ पर देखिए दिया गया है। ये पाइप हो गया और ये पाइप में से ये क्लिप नीचे डाउन हो रहा है, उसी का यहाँ पर जो प्लेट रहेगा उसमें भी मारना है, इस तरीके से भी मार करके देखिए ये क्रॉस में 30 डिग्री में भी मार कर रखना है और उसमें इतना चौड़ा वेल्डिंग करना है आपको, इस तरीके से भी मार के वेल्डिंग करना है प्लेट को जो लगाना है, तो उसी को यहाँ पर साइड में यहाँ पर डिजाइन दिया गया है, देख सकते हैं इसका फ्रंट व्यू ही है। यहाँ पर साइड में जो क्लिट लग रहा है उसका यहाँ पर फ्रंट डिजाइन यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर पाइप के फ्रंट डिजाइन में यहाँ पर दोनों क्लिट का यहाँ पर डिजाइन दिया गया है, तो इस डिजाइन में आपको क्लिट जो है लगाना है। तो फ्रेंड यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और यह वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और इस तरीका का रेड बटन होगा उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।